वेलकम बैक टू सुल्तान फूड स्टेशन। हाउ आर यू गाइस? टुडे आई एम गोइंग टू मेक आलू गोश्त। इसलिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आपके सामने हैं, वो कैमरा आपको दिखा रहा होगा। ये मैंने अराउंड अबाउट 1 kg जो है चिकन लिया है, इसके साथ 3 to 4 मीडियम साइज के जी आलू काट के रखे हैं, और ये हाफ जो मैंने ये काट के रखा है ऑनियन, एंड ये थोड़ा सा मेरे पास है अदरक और कूट के रखी है, और ये जो लहसुन के 4-5 जवे थे ये कूट के रखे हैं। उसके साथ ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, ये 1/2 teaspoon मैंने रेड पेपर चिली ली है, और जो थोड़ी सी मैंने ये हल्दी ली है, इसके साथ थोड़ा सा क्यूमन सीड कूट के रखे हैं, और थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर सीड कूट के रखे हैं। इसके साथ 1 teaspoon मैंने सॉल्ट लिया है, और टमाटो लिया है, एक टमाटो काट के रखे हैं, और इसके साथ ये ग्रीन चिली है। अब मैं आगे जो करने लगी हूँ आप देखना। ऑलमोस्ट 3 tablespoon ये मैंने जो है योगर्ट लिया है, ये प्लेन योगर्ट मैंने लिया 3 tablespoon। इसके अंदर जो है ये सारे ड्राई मसाले जो है इसके अंदर चले जाएंगे। ये आपके सामने मैं डाल रही हूँ, ये कोरिएंडर सीड गया, ये जो मैंने कूट के रखे थे, ये सॉल्ट, और ये क्यूमन सीड का जो पाउडर है ये चला गया, ये भी मैंने वैसे ही कूट के रखा है। अब आज फ्रेश ये मैं आलू गोश्त बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने सारे मसाले फ्रेश कूट के रखे हैं। और इसमें आप चिकन मैं मेरीनेट करके रखती हूँ। इसके साथ ही ये देखें, ये जो था लहसुन कूटा हुआ और ये अदरक, ये भी चली गई इसके साथ। अब इसके अंदर मैं अपना चिकन रखती हूँ 5 to 10 minutes, और पास में ये जो है प्याज ब्राउन करती हूँ, और इतनी देर में ये मैरिनेट हो जाता है चिकन। ये देखें, अब मैं चिकन इसके अंदर डालने लगी हूँ। आप भी अगर मेरे स्टाइल में ये आलू गोश्त बनाएंगे तो आपका आलू गोश्त भी बहुत मज़े का बनेगा। ये है तो सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मैं बनाने लगी थी, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ घर में, हो सकता है आपको अच्छा लगे और आप भी फिर इसको जो है ट्राई करें। जी जनाब, ये देखें हमारा जो ऑयल है, ये मैंने 1/2 cup जो है ना ऑयल लिया है। इसमें मैंने ये 2 जो है ग्रीन इलायची डाली है, और इसके साथ ही ये 3-4 clove मैंने डाले हैं जिसको लौंग कहते हैं, और साथ ही ये आपको नजर आ रहा होगा ये ऑनियन मैंने डाल दिया है। अब इसको जरा ब्राउन करती हूँ ऑनियन को, और फिर अगला स्टेप करती हूँ। जी, अब हमारे ये जो प्याज है ये हो गया ब्राउन। अब ये मैं चिकन डाल रही हूँ, जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो डाल रही हूँ। और अब इसको जो है योगर्ट के पानी के अंदर ही इसको भून बन लेती हैं, और जल्दी जल्दी हो जाता है ये, और इतना इजी है और बहुत मज़े का बनता है, और इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं रहती। कि जैसे हमारे घरों में हांडी बनाते हैं लोग, तो ऐसे भून भून के, और बड़े ही ये सिंपल तरीका है। मेरे वैसे सारे सिंपल तरीके होते हैं। ये देखिए, अब मैं ज़रा ऊपर से इसको ढकने लगी हूँ, कवर करने लगी हूँ अपनी इसकी लिड के साथ, और अब इसमें ये पकता भी है और जो है भून भी जाता है। जी जनाब, ये देखिए इसको 5 minutes हुए हैं मैंने कवर करके इसको पकाया है, और ये साथ जो है इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैंने इसमें आपके सामने जो ऐड जो टमाटर काट के रखा था ये ऐड कर लिया है, और इसके साथ ही मैं ये डालती हूँ ये जो है ये मैंने पोटैटोज काट के रखे थे, ये साथ ही डालने लगी हूँ। और आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना सिंपल तरीका है, और बहुत ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं होती जब आप इसको कर देते हैं मैरिनेट योगर्ट में कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा भूनने की ना, ये प्याज भी गल गए हैं अंदर ही, और इतना ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा अंडी को भूने और भून भून के ऑयल में जो है उसका मकसद फोत कर दें। ये
देखिए मैंने हाफ टी स्पून जो है इसमें ब्लैक पेपर डाली है, कूटी हुई ब्लैक पेपर इस पॉइंट पे। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डालने लगी हूँ और फिर थोड़ा पानी डालते हैं और अब ये अच्छे से भुन गया। ऑयल जो है ऊपर आ गया है मेरी हांडी में और अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालने लगी हूँ। ऑलमोस्ट आलू भी गल गए हैं और चिकन भी गल गया है और अब मैं थोड़ा सा इसमें जो है गर्म पानी डालूंगी। ये केटल में मैंने गर्म किया है क्योंकि ये वो ट्रिक होते हैं कि जो जल्दी से हांडी पक जाती है, तो साथ ही थोड़ा सा गर्म पानी डालोगे इसको गड़क आएगा और वो एक दो जोश आता है जैसे, तो वो फिर हांडी पक जाती है। क्योंकि ये मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, इसमें हल्का हल्का शोरबा रखूँगी आपके सामने ही है। ये देखो कितना मज़े का इसकी लुक नज़र आ रही है। जी ये देखिए माशाल्लाह हमारी हांडी हो गई है रेडी, आलू गोश्त हमारा शोरबे वाला रेडी हो गया। ये हल्का हल्का शोरबा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और ऐसे रस मिसा सा मुझे तो अच्छा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है पतला शोरबा नहीं अच्छा लगता। और अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट आपके सामने। जी अब मैंने ये जो बारीक बारीक से ग्रीन चिल्ली काटी थी ये अब मैं ऊपर डालने लगी हूँ। जो मैंने ज़रा बिग पीस काटे थे यानी कि ज़रा थोड़ी मोटी मोटी काटी थी वो मैंने अंदर डाल दी थी भूनते हुए, और ये मैंने जो बारीक काटी है ये ऊपर डाली है। और अब आपके सामने ये थोड़ा सा मैं जो कोरिएंडर लीफ है ये डालने लगी हूँ जिसको धनिया कहते हैं। और आपके सामने ये हो गया हमारा आलू गोश्त रेडी। ये देखिए इसकी लुक्स कितनी माशाल्लाह यम्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़े का रेडी होता है। अगर आप भी मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आपका भी बहुत मज़े का रेडी होगा। जी इसको चावल के साथ सर्व करें, इसको नान के साथ करें, इसको रोटी के साथ करें, फुलके के साथ, ये हर चीज़ के साथ चला जाता है। चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ। मैं तो वैसे आज नान गर्म करूँगी इसके साथ। पका के रख लिए आपके सामने है और इतने मज़े की इसकी लुक है और लुक भी है और इतने मज़े का ये बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपका कैसा बना है। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहें, खुश रखें और दुआओं में याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।